अरे वक्त क्या बात है, आज तो ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही आ गया। एक काम करता हूँ, चॉप को भी अपने साथ बुला लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर नहाएंगे। चॉप कहाँ पर हो तुम? अरे यार ये चॉप कहाँ पर चला गया, अभी तो यही पर था। चॉप मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे ये आवाज तो ऊपर से आ रही है, जल्दी जल्दी जाकर देखा हूँ आखिर में उसे हुआ क्या है। ये रहा चॉप। अरे तुम रो क्यों रहे थे? अरे क्या बताओ शिनचैन, मैं फ्रैंकलिन भैया की गाड़ी पे सनबाथ ले रहा था, फिर अचानक से मेरा पेट खराब हो गया और मुझसे ये हो गया है। अरे बाप रे, ये क्या इतना सारा, इतनी सारी पॉटी कौन करता है चॉप? मुझे लगता है आज तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। अरे यार शिनचैन प्लीज ऐसे डराओ मत, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें पता है ना ये अपने आप हो जाता है। अरे तो कहीं और पर कर लेते, यहाँ पर करने की क्या जरूरत थी, पूरी की पूरी गाड़ी खराब कर दी। अरे मैं कहीं और पर ही जा रहा था पर ये बीच में ही हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम एक काम करो जल्दी से इसे साफ कर लो इससे पहले कि फ्रैंकलिन भैया जाग जाए। शिनचैन मेरी बात सुनो, फ्रैंकलिन कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। अरे पर वो तो सो रहे है, तो फिर जल्दी से उठा उसे। अरे वो एक नंबर के कुंभकर्ण है, ऐसे नहीं उठने वाले। अरे वैसे तुम्हें काम क्या है? मुझे अपने 200 इयर्स में जाना है, मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे यार अभी मैं क्या करूँ, वो तो एक नंबर के कुंभकर्ण है, इतने जल्दी नहीं उठने वाले। मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, तुम चिल्लाने का नाटक करो इससे वो जाग जाएगा। और चुप, तुम फ्रैंकलिन से कहना कि वो सीधा टोनी के घर पर मिले मुझे, मैं शिनचैन को लेकर वहीं पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिल्लाता हूँ, अरे बचाओ बचाओ कोई मुझे बचा लो प्लीज। गाइस गाइस ये कैसी आवाज थी, मुझे ऐसा लगा कि शिनचैन चिल्ला रहा था। जल्दी से जाके देखता हूँ वो लोग ठीक तो है ना। शिनचैन चॉप कहाँ पर हो तुम लोग? अबे यार कहाँ चले गए, कहीं मैंने सही तो नहीं सुना था? शिनचैन चॉप वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ ऊपर, आवाज तो ऊपर से आ रही है, जल्दी से जाके देखता हूँ। ये रहा चॉप गाइस, पर शिनचैन कहाँ है? अरे उसे तो हगी वगी अपने साथ उठा के लेके गया। उठा के गया कहाँ? अरे वो टोनी भैया के घर पर गया है। अरे पर शिनचैन को लेके क्यों गया? क्योंकि उसे आपसे मिलना था और आप जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने ऐसा किया। भाई साहब यार ऐसा कौन करता है चॉप? अरे वो मुझे क्या पता, उससे मिलोगे ना तो उसी से पूछ लेना। वैसे एक बात बता, वो यहाँ पर आया क्यों था? अरे उसे अपने 200 एज में जाना था, वो बोल रहा था वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करते टोनी के घर पर चलते हैं। अबे ये क्या है चॉप, तूने ये क्या किया अपनी गाड़ी पे, तुझे थोड़ी भी शर्म है? अरे यार माफ कर दो ना, और वैसे भी अभी इन सब का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा बहाना मिल गया तुझे, तुझे तो मैं आने के बाद बताता हूँ, आज बाइक लेके जाना पड़ेगा। जल्दी से जाके बैठते गाइस, अब आजा हग्गू कुत्ते। अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, पहले काम ऐसे कर लो और फिर जब कोई कुछ बोले तो गुस्सा हो जाओ। मैंने आपसे एक बार कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो नेचुरल है, सबको आता है, आप नहीं करते क्या? मुझे पता है कि ये सबको आता है, पर तेरी तरह कोई कहीं पर भी नहीं कर देता, उसकी एक जगह होती है। अच्छा ठीक है समझ गया, बस इसके आगे से कभी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है चल माफ किया, पर आने के बाद तू ही वो साफ करेगा। ठीक है कर लूंगा ना, इतना सुना क्या रहे हो? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है हगी वगी को अपने 200 डेज में क्यों जाना है, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया जो टाइम लाइन में आगे जाना है उसको? अरे अभी हमें पता चल जाएगा, देखो हम लोग पहुंच गए हैं। गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं और बाइक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। जल्दी से उतर हगू कुत्ते और आजा मेरे पीछे। अरे ये क्या फिर से शुरू हो गए? अच्छा ठीक है आजा, फटाफट जाके पता करते गाइस कि आखिर में मामला क्या है। ये रहे सब लोग, और तुमने आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर आना है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो लगा था आप जागोगे भी नहीं। अरे अभी ये सब छोड़ो, और कोई मुझे बताएगा कि हगी वगी को उसके 200 डेज में क्यों जाना है? अरे वो मैं बताता हूँ, किसी मिसी पॉपी प्ले टाइम के साथ टाइम में आगे चली गई है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, मुझे उन्हें जाके ढूंढना होगा। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो टोनी शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है मैं जाके मशीन को स्टार्ट करता हूँ, फिर हगी वगी तुम उसमें जाके खड़े हो जाना। ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो गाइस इंतजार किस बात का है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हगी वगी जाने वाला है उसके 200 एज ईयर में। आउच आउच आउच, ये क्या, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये तो कोई बहुत ही ज्यादा पुराना घर लग रहा है। वो रही किसी मिसी, आखिरकार मुझे मिली गई। किसी मिसी तुम रो क्यों रही हो, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। अरे यार ये तो रोते ही जा रही है। अरे मुझे तो लगता है ना उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ होगा, अब वो तो ये बताएगी तो ही पता चलेगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये क्या, मैं तो बेबी हगी वगी बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी मिसी मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर हुआ क्या था, और पॉपी कहाँ पर गई, वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना। मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, वो लोग पॉपी को ले गए, मैंने रोकने की बहुत ट्राई की पर वो लोग रुके ही नहीं, वो लोग 3 जन थे और अभी वो लोग अलग अलग टाइम लाइन में चले गए हैं, तुम्हें उसे जाके वापस लाना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैं अभी जाता हूँ, टोनी मुझे जल्दी से टाइम लाइन में आगे भेजो। आओ, ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो किसी दुकान जैसा लग रहा है, पर यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे? तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई सेल तो नहीं लगी है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? मैडम आप ही बता दो। हम सब लोग यहाँ पर फंस गए हैं, बाहर एक ग्रीन कलर का जानवर है जो कि पूरे टाउन पर नजर रख रहा है, वो किसी को बाहर निकलने नहीं देता, जो कोई बाहर निकलता है मारा जाता है, उसके
पास जाना तो इम्पॉसिबल है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा। ये रखो अपने साथ। अच्छा ठीक है, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे लगता है उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो यहाँ पर होता तो मुझे भी मारने की ट्राई करता। पूरे शहर के लोग भाग गए हैं, सब लोग छुपे हुए हैं। मुझे जल्दी से सिली बिली को ढूंढना होगा, क्योंकि ग्रीन कलर का तो वही था। सिली बिली मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे लगता है सिली बिली यही पर है। वो रहा, वो तो लेजर छोड़ रहा है। मुझे उसे बचते हुए आगे जाना होगा। रुक जाओ सिली बिली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तो चारों बाजू ब्लास्ट हो रहे हैं। मुझे उसके लेजर को रोकना होगा, उससे पहले जाके कहीं पर छुप जाता हूँ, वरना वो मुझे मार देगा। सिली बिली मैं कहता हूँ रुक जाओ प्लीज, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अरे बाप रे, ये तो लेजर पे लेजर छोड़े ही जा रहा है। उसे संभल कर रहना होगी वोगी। पर कैसे, जरा उसको देखो तो सही, वो तो और ज्यादा गुस्सा हो गया है। उसे देख के तो ऐसा लग रहा है वो कोई ज्यादा स्पेशल पावर यूज करने वाला है। ये क्या, ये पत्थर किसने मारा? हे ग्रीन कलर के भालू, उससे दूर रहो, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सब लोग अटैक करो। अरे बाप रे, ये लोग तो इसे पत्थर मारते ही जा रहे हैं। सारे सिटीजन फाइट बैक कर रहे हैं, हमारे पास यही मौका है। उसका ध्यान अभी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। वैसे ये गेट खुला था। चल कोई बात नहीं, गाय गाय में हो जाता है। अब जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ, आज तो वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ये रहा सिली बिली। सिली बिली रुक जाओ और मुझे बताओ कि पॉपी कहाँ पर है। ये लो। अरे ये क्या हो गया, मुझे नहीं लगता अब ये कुछ बता पाएगा। अरे जाने दो, छोड़ो, मुझे तो लगता है इसको पता भी नहीं होगा कि पॉपी कहाँ पर है। हाँ वैसे शिनचैन बोल तो सही रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। फिर तो मुझे टाइमलाइन में आगे जाना होगा, दूसरे क्रिएचर के पास। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ। आउच, ये मैं कहाँ पर आ गया? ये तो किसी स्टेडियम जैसा लग रहा है। ये तो रिंग है। और ये क्या, हल्क यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये उनके साथ मिला हुआ है तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ हल्क, आज तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। जल्दी से बताओ पॉपी कहाँ पर है। होगी वोगी, मुझे माफ कर देना। अरे पर तुम ऐसा बोल क्यों रहे हो? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत डायमेंशन में भेज दिया है। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। थोड़ी देर इससे लड़ते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे डायमेंशन में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे हल्क मेरी बात सुनो, हमें लड़ना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हल्क किसी का दोस्त नहीं, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं, आज तो तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अब ये लो, थोड़ी देर मुझसे दूर रहो। तुमने हल्क को मारा, ये फिर से लो, मुझे इसे गिराते रहना पड़ेगा। अब ये खाओ। मुझे माफ कर देना हल्क, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं अपने टाइमलाइन में जाऊंगा कैसे? हल्क का गुस्सा आ रहा है, ये लो। अरे बाप रे, ये कहाँ पर आ गया है? आउच, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने वापस इसको सही टाइमलाइन में भेज दिया है। अच्छा ऐसी बात है क्या? ये क्या, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अरे फिर तो तुम्हारी पावर भी तुम्हारे पास वापस आ गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर तो तुम्हें ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मुझे लगता है मेरी सारी पावर मेरे पास वापस आ गई। आउच, नहीं 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 नहीं, ओ तेरी की, बहुत जोर से लगी। पर मैं अपनी पावर ट्राई किस पर करूं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे लगता है तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ पर पुलिस के सायरन बज रहे हैं। पुलिस से बचने का टाइम आ गया भाई, तुमने एकदम सही कहा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना पुलिस मुझे पकड़ लेगी। जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। ये मैं चला। अरे पर तुम भाग क्यों रहे हो? अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास तुम्हारी पावर वापस आ गई है, इतना मत डरो। अरे हाँ, ये तो तुमने एकदम सही कहा। एक काम करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, जल्दी से देखता हूँ मेरे पास कौन सी पावर है। वह क्या बात है, ये तो लेजर पावर है, और ये तो बहुत ही ज्यादा काम की है। इससे तो मैं किसी को भी उड़ा सकता हूँ। मुझे लगता है ये मुझे सिली बिली से मिली होगी, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सारे पुलिस वाले तो गए मेरे हाथ से। ये लो। वैसे टोनी मुझे एक बात बताओ, मैं जिसे ढूंढ रहा वो इसी टाइमलाइन में है क्या? अरे नहीं, वो आगे के टाइमलाइन में है। मैंने बस तुम्हें तुम्हारे डायमेंशन में भेजा था, तुम्हें जिस टाइमलाइन में जाना है उस टाइमलाइन में नहीं। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी से भेजो, मुझे जाके पॉपी को भी ढूंढना है, पता नहीं वो किस हालत में होगी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे डायमेंशन में भेज रहा हूँ। मैं तो एकदम तैयार हूँ, तुम जल्दी से भेज दो। अच्छा ठीक है, ये लो। ओके ओके ओके। आउच, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। और ये क्या, ये घर तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं पता कि जाना कहाँ पर है, पहले तो इससे दूर जाता हूँ। इसे देख के तो मुझे डर लग रहा है। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम्हें यहाँ पर तलाश करनी चाहिए। अरे पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पर है? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस घर को स्कैन करता हूँ, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या। ये मैंने सिस्टम को शुरू कर दिया, वो लोग यही कहीं पर होने चाहिए। एक इसके अंदर है, ये तो स्कैरी लैरी है, पॉपी जरूर उसके पास ही होगी। जल्दी से अंदर जाता हूँ। ये मैंने दरवाजा खोला। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मुझे लगता है ये तो कोई भूतिया हवेली होगी। शिनचैन ऐसे मत बोलो, मुझे डर लगता है। स्कैरी लैरी, तुम यही पर हो ना, प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। स्कैरी लैरी, अरे ये क्या, तुम तो डर के मारे थोड़ा तोतला बोलने लग गए। कहाँ पर हो तुम? ये तो यही पर है, मुझे जल्दी जल्दी भागना होगा, मुझे कोई इससे बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ तो और भी ज्यादा है, यहाँ पर तो बहुत सारे घोस्ट है, इनसे बच कर रहना। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ तो डेड एंड है, ये लोग तो यहाँ पर भी आ गए। इतने सारे भूत, दूर हो जाओ मुझसे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जल्दी जल्दी इनसे बच के बाहर निकलता हूँ। काश कि अभी मैं अपनी लेजर की पावर का इस्तेमाल कर सकता, पर यहाँ पर थोड़ा खतरा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें से असली कौन है और भूत कौन है। ये लोग तो अंदर से भी आ रहे हैं। दूर हो जाओ, मुझे वापस अंदर जाना होगा, बाहर तो भीड़ जमा हो गई है। चलो इस साइड कोई नहीं है। पॉपी कहाँ पर हो तुम? एक काम करता हूँ, आगे जाता हूँ, इस कमरे में कोई होना चाहिए। ये क्या है, जरा देखो तो सही। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई जादू टोना कर रहा था। तुम्हें
इस टोने को पूरा करना होगा। मुझे लगता है तभी ये सब खत्म होगा। अरे पर मैं इसे पूरा कैसे करूंगा? यहाँ पर कोई ना कोई तो चीज होगी जो मिसिंग है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भी जाकर ढूंढता हूँ। पता नहीं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एक तो पहले से मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है, अब पता नहीं वो चीज कहाँ पर होगी। यहाँ पर भी नहीं है, मुझे आराम आराम से जाना होगा वरना वो भूत यहाँ पर भी आ जाएंगे। धीरे धीरे नीचे जाता हूँ। अरे नहीं, ये रहा एक, पहले इसे जाने देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ये चला गया, अब जल्दी जल्दी आगे जाते हैं। पता नहीं वो चीज कहाँ पर रखी हो सकती है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ का दरवाजा कहाँ गया। एक काम करता हूँ, इस रूम में जाकर देखता हूँ। ये क्या, यहाँ पर तो एक बुक है, मुझे लगता है ये किसी काम की नहीं होगी। और यही तुम्हारे काम की है, जल्दी से इसे उठाओ और वहाँ पर लेके जाओ, मुझे लगता है इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है जल्दी से इसे लेता हूँ। ये रहा वो टेबल, मुझे जल्दी से इस जादू तोड़ने को पूरा करना होगा। अब बुक को यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं हो गया, अब जल्दी जल्दी बाहर जाता हूँ। वो असली वाला स्कैरिलेरी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे इसको छोड़ना मत, इसने हमें बहुत ज्यादा डराया है। तुम चिंता मत करो शिनचैन, ये तो गया मेरे हाथ से, परेशान करके रख दिया था। पर पॉपी तो इसके पास भी नहीं थी, पता नहीं वो कहाँ पर होगी। मुझे लगता है तुम्हें टाइमलाइन में आगे जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से मुझे भेज दो। अरे जरा देखो तो सही, मुझे लग रहा है ये तो मिलिट्री बेस में आ गया है। पॉपी संभल के रहना, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा ठीक है शिनचैन, तुम मेरी चिंता मत करो, आज मैं पॉपी को लिए बिना आऊंगा ही नहीं। मुझे लगता है इन्हें पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हगी इनसे बच, वरना ये लोग तेरा कचुंबर निकाल देंगे। जल्दी जल्दी भाग यहाँ से और जो करने आया वो कर। अरे पर ये लोग मेरे बीच में आ रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो और ये भी लो, दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब ये खाओ और ये भी लो और ये भी लो। चलो ये तो ठिकाने पर लग गया, अब इसकी बारी, मुझे इन सबको हराना होगा वरना ये लोग मेरे रास्ते में आते ही जाएंगे। अब ये मेरी लेजर खाओ, मैं सबको भून के रख दूंगा। अब ये टाइम गया। हगी वगी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर इतना वेस्ट मत करो, मैं बोलता हूँ अभी निकल जाओ। अरे पर कैसे निकलो, तुम देख रहे हो ना ये लोग मुझे मारते ही जा रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया सही बोल रहे हैं, तुम्हें जल्दी जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। हाँ हगी वगी जल्दी से जाओ, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर है वो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो रुको मैं भी जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाना होगा मुझे, फटाफट भागता हूँ। कहाँ पर है, यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और पहली बात तो यहाँ है कौन वो भी मुझे नहीं पता। ये क्या, ये तो किली बिली है, पर वो तो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा है। तो नहीं, तुम एकदम सही बोल रहे थे, मुझे इसे रोकना होगा। किली बिली वही पर रुक जाओ, भागो मत। अरे ये क्या, ये तो भाग रहा है, मैंने कहा वही पर रुक जाओ, मुझे बस पॉपी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये तो भाग गया, अब मैं क्या करूंगा। अरे तो देख क्या रहे हो, तुम भी किसी चीज को ढूंढो और उसका पीछा करो, अगर ऐसे ही खड़े रहोगे तो वो दूर निकल जाएगा। तुमने एकदम सही कहा, मुझे भी कुछ चाहिए, जल्दी से जाकर देखता हूँ। यहाँ पर एक ब्लू कलर का प्लेन है, ये मेरे काम आएगा। अरे इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे लिए ही बना था। अब जल्दी जल्दी इसको शुरू करता हूँ, जल्दी से शुरू हो जाओ, मैं तो लेट होते ही जा रहा हूँ, पता नहीं वो कितने दूर निकल गया होगा। चलो फाइनली शुरू तो हुआ। हगी वगी इसको पूरी स्पीड में भगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, वो मुझे दिख रहा है। अब जल्दी से उसके पास जाता हूँ, मुझे थोड़ा और ऊपर जाना होगा। अरे पर संभल के, कहीं पर ठोक मत देना, उसकी चिंता तुम मत करो शिनचैन, ये सारी चीजें तो मैं पहले भी उड़ा चुका हूँ। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैं उसे रोकूंगा कैसे। एक काम करता हूँ, उसे टक्कर मारता हूँ, इससे वो रुक जाएगा। अरे यार हगी वगी तेरे में दिमाग ही नहीं है, क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया। मुझे लगता है तू भूल गया है, इसमें हथियार भी है, उसका इस्तेमाल करना, देख वो तेरे ठीक नीचे है। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने एकदम सही कहा फ्रैंकलिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार मुझे थैंक यू बाद में बोल लेना, पहले उसको संभाल। अच्छा ठीक है ये लो। अरे यार इसको तो लग ही नहीं रहा है, मुझे थोड़ा और पास जाना होगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार ये तो फिर से बच गया। अरे कोई नहीं हगी वगी, तुम ट्राई करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखना शिनचैन, इस बार तो मैं निशाना चुकूंगा ही नहीं, उसे बस मेरे सामने आने दो। अरे ये क्या बात बोल रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो निशाना तो लग ही जाएगा ना, इसमें बड़ी बात क्या है। अरे पर मुझे उसका पीछा करते हुए सामने रहना होगा, तुम देख रहे हो ना वो कितनी बार यहाँ से वहाँ हो रहा है। अब जल्दी से निशाना लगाता हूँ, वो मेरे सामने ही है। कहा गया वो रहा। ये लो, खाते जाओ मुझे लगता है उसे लगा है, अब तो ये गया। अरे वाह क्या बात है हगी वगी, तुमने तो कर ही दिखाया, जरा उसे देखो तो सही, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इस बार ये पक्का नहीं बचेगा। ये गीली भेल तो गया। अरे वो गीली भेल नहीं है, वो किली विली है। अरे हाँ वो जो कोई भी हो, देखो वो नीचे की तरफ गिर गया है, तुम भी जल्दी से लैंड करो, मैं यहाँ पर सेफ लैंडिंग करता हूँ। अरे ये कैसी सेफ लैंडिंग हुई। अरे छोड़ो शिनचैन, मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, ये सीट ने तो बहुत जोर से जम खाया। नहीं 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 मैं नीचे गिरने वाला हूँ, आज तो बहुत जोर से लग रही है, पता नहीं आज के दिन और क्या क्या देखना होगा। अब जल्दी से जाके किली विली को ढूंढता हूँ, उसने मुझे बहुत ज्यादा दौड़ाया है। किली विली कहाँ पर हो तुम। वो रहा, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये लो, अब तो तुम बचोगे नहीं। कमॉन हगी वगी दिखा दो अपनी पावर, आज तो इसको छोड़ना मत। अरे हाँ हगी वगी, हम तुम्हारे साथ है, मुझे इसे संभल के मारना होगा, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लो, क्यों आ गया मजा, अब ये खाओ मेरी लात। आज तो तुम बचोगे नहीं किली विली, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। बताओ मुझे कि पॉपी कहाँ पर है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही उड़ के चला गया है। अरे वक्त बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब जल्दी जल्दी उसके पास जाता हूँ, ये तो फिर से उड़ गया, अब नहीं बचेगा। ये खाओ, क्या टकराया है। गाइस यार हगी वगी के लिए लाइक कर दो प्लीज, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, किसी मिसी ने बस 3 लोगों के बारे में बताया था और ये आखिरी वाला था। पॉपी तो इसके पास भी नहीं है, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए, इसके पास से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम सही बोल रहे हो, जल्दी से देखो।
अच्छा ठीक है, ये क्या, इसके पास से तो एक चिट्ठी मिली है। इसमें तो लिखा है कि इसे पॉपी ने ही भेजा था। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम पॉपी को ही ढूंढ रहे हैं, पॉपी ने कैसे भेज सकती है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है, तुम्हें उसका पता लगाना होगा। टोनी मेरे लिए काम करो, पॉपी इसी टाइम लाइन में है, मुझे उसकी लोकेशन पता करके दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें उसकी लोकेशन भेजता हूँ। ये रही, मुझे जल्दी से यहाँ पर जाना होगा, जल्दी जल्दी जाना हूँ। और ये मैं पहुँच गया, लोकेशन तो यही की आ रही थी। पॉपी कहाँ पर हो तुम, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। पॉपी पॉपी कहाँ पर हो तुम, वो यही कहीं पर होनी चाहिए, कहाँ जा सकती है। पॉपी पॉपी कहाँ पर हो तुम, अरे मुझे तो लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। नहीं वो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे बाप रे मुझे लगता है यहाँ पर कोई जादू चल रहा है। ये क्या, ये तो डार्क पॉपी है, मुझे लगता है पॉपी को किसने बदल दिया है, हमें उसे ठीक करना होगा। वाह तुमने मुझे ढूंढ लिया, पर अब तुम क्या करोगे, मिलो मेरी नई क्रिएशन से, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, जाओ और खत्म कर दो हगी वगी को। अरे बाप रे ये क्या बला है, आउच ये तो बहुत जोर जोर से मार रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जो कोई भी हो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। नहीं नहीं रुक जाओ, अरे बाप रे ये तो हगी वगी की खुल के धुलाई कर रहा है। हगी वगी बचकर, अब ये लो मेरी लेजर खाओ, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। आउच आउच आउच, ये तो कुछ ज्यादा ही जोर से मार रहा है, पता नहीं पॉपी ने ये क्या बना दिया, इसकी पावर तो मुझसे संभल ही नहीं रही है। ये लो और ये खाओ, और अब ये भी लो और ये भी लो, मुझसे दूर रहो और पॉपी को छोड़ दो, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, वो पूरी तरीके से बदल गई है। हगी वगी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। ये कहाँ पर चला गया, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये लो और अब ये खाओ। अरे बाप रे, नहीं नहीं रुक जाओ, आउच ने मुझे कहाँ पर फेंक दिया। एक मिनट, मुझे लगता है मेरी पावर फुल चार्ज हो गई है, अभी इसे इस्तेमाल करता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ। एक बार और, ये लो। क्या बात है, मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अरे पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, जरा देखो तो सही। और ये गया वो क्रिएचर, अरे जरा पॉपी को तो देखो, वो भी ठीक हो गई है। पॉपी तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। शुक्रिया हगी वगी, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, तुम मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन हो, आई लव यू। ठीक है चलो पॉपी, अब मुझे जाना होगा, जल्दी जल्दी जाता हूँ अपने टाइम लाइन में। वाह क्या बात है, आखिरकार हगी वगी ने पॉपी को बचाई लिया। तो गाइस यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।